ପାଦର ଏ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଲୁଚିଛି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯାତ୍ରା। ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ନୂଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଖୁସି ବି ଅଛି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज कैबिनेट सहयोगी गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पुराणा संसद भवन प्रस्थान कले पछरे केंद्रमंत्री नितिन गडकरी अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल भी देखा जाउथिले। पछे पछे तमाम मंत्री और सांसद पुराणा संसद भवन नुआ संसद भवन चली चली गले। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संविधान बही धरिथिले। तांको सह राहुल गांधी समेत कांग्रेस तमाम सांसद भी थे। नुआ संसद भवन में पहुंचा पर अभिभाषण रखिले पीएम मोदी कहिले एही मुहूर्त अनेक अर्थर अभूतपूर्व। भवन बदली भाव और भावना भी बदलवा दरकार। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। देश स्वाधीनतार साक्षी हेउछि पुरुणा संसद भवन। 75 वर्ष पर आज गणतंत्र से ही भव्य मंदिर एवं इतिहास पलटी जाइछि। ए चित्र एवं हो जाइछि ऐतिहासिक। ए मुहूर्त पलटी जाइछि स्मरणीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, समस्त केन्द्र मंत्री सांसद अच्छा गोटे फोटो फ्रेम रे। आउ एक चित्र देखंतु, एठी पछधाड़ी रे छिड़ा होती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। ये चित्र हेउछि संसद भवन पुराणा बिल्डिंग रे फोटो सेसन जेउठी बसी आमर महान पूर्वज माने संविधान निर्माण करथिले सेही संसद भवन को विदाय देवार मुहूर्त थिला। ए मुहूर्त थिला समस्तक पई भावुक हेबार। फोटो सेसन शेष होला। प्रधानमंत्री बुली बुली सब सांसदंकर अभिनंदन कले। तापरे पार्लियामेंट रो सेंट्रल हॉल ले आरंभ होला शेष कार्यक्रम। निज संबोधन रे प्रधानमंत्री परामर्श देले पुराणा संसद संविधान भवन भावरे परिचय बहन करू। मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमारे रक्ष के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। उपराष्ट्रपति, वाचस्पति, संसदीय व्यापार मंत्री, विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बहु सांसद पुराणा संसद भवन को नहीं निजर भाव व्यक्त कले भावुक। ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन एज वी स्टैंड ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ एडिंग अ न्यू चैप्टर टू द एनाल्स ऑफ आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move
to the new one. नुआ संसद भवन रो निर्माण ऐतिहासिक मोदी सरकार को एक बड़ माइल खुंट सेंट्रल भिस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत 64,500 वर्ग मीटर अंचल रे निर्माण होईछि नुआ संसद भवन 2020 मसीह रे संसद भवन पई शिलान्यास करथिले प्रधानमंत्री चलित वर्ष मे 28 तारीख रे नुआ संसद भवन रो उद्घाटन करबा सह पवित्र राजदंड प्रतिष्ठा करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।